स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप अलार्म साउंड को चेंज करेंगे जियो नी मैक्स के मोबाइल में। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात हम कि आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन उस पर क्लिक करना ताकि मैं नेक्स्ट आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे आप। यहाँ पर आपके सामने इस तरह इंटरफेस आएगा। ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर अलार्म साउंड का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे आप। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे साउंड देखने को मिल रहा है, बस आपको क्लिक कर देना है, वो चेंज हो जाएगा। देखिए, तो सभी अलग अलग साउंड है, मैं आपको क्लिक कर देना चाहती हूँ। देखिए, तो इसमें साउंड बहुत अच्छे अच्छे साउंड मिल सके मेरा। इतने अच्छे साउंड आप सुनते रह जाएंगे, काफी अच्छा है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। किसी भी क्लिक कर देंगे आप, ओके पर क्लिक कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो काफी अच्छा साउंड इसमें देखने को मिल जाता है, अलार्म साउंड। और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन साउंड का ऑप्शन मिल रहा है, इसको क्लिक कर देंगे आप तो वो चेंज हो जाएगा। ओके पर क्लिक कर देना है और चेंज हो चुका है। यहाँ सिम वन सिम टू का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से रिंगटोन चेंज कर सकते हैं आप सिम वन सिम टू का। इस पर क्लिक कर देंगे आप, ओके पर क्लिक कर देंगे आप तो चेंज हो जाएगा। यहाँ इनकम वाइब्रेट फोर कॉप्स का ऑप्शन है, जिसकी ऑफ होगा आपको ऑन कर लेना है, जब भी कॉल आएगा तो वाइब्रेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से सभी यहाँ से और भी टूल्स को इनेबल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।